आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप जो हमें लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और जो हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके बहुत सारे अनुरोध है कि इसी वशीकरण पर तो बहुत दिन से कुछ बोले नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी वशीकरण पर बताया जाए। इसी वशीकरण पर मैं आपको बता रहा हूँ और स्त्री वशीकरण के उपाय बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कब, कैसे, क्यों, कहाँ सब किया जाए, इसको मैं बताना बहुत जरूरी भी समझता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, आज मैं आपको दो अंतिम चीजें बताता हूँ, एक नक्षत्र कौन सा चुने और एक दिशा कौन सी चुने वशीकरण के समय। तो पहले नक्षत्र की बात, ज्येष्ठा अनुराधा उत्तरा भाद्रपद। मित्रों, ये जो बोल रहा हूं ना मैं, आपको सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा, इसलिए प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने से पहले आप उस विवरण को अवश्य देख लीजिए। अगर आपको कोई निश्चय समझ में नहीं आता, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और फिर भी आपको कुछ लगता है आप हमसे पूछ सकते हैं, वो हम बता देंगे आपको। षदिशा, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, पूर्व भाद्रपद और आश्लेषा नक्षत्र, ये सारे नक्षत्रों के नाम है जिनमें वशीकरण करने पर सर्वश्रेष्ठ फल आने की संभावना होती है। तो अगर सारी चीजें मिला ली जाए जो मैं बताता जा रहा हूं, उसमें आपको वशीकरण का मनोवांछित फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ क्षेत्रों में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को भी अच्छा माना जाता है। तो अगर ऐसा अंतर हो, यदि आप सोचते हैं ऐसा नहीं हमारे यहाँ तो ये माना जाता है, तो आप अपने पंडित से राय ले सकते हैं कि वशीकरण के लिए पूर्वाषाढ़ा रहेगा या फिर बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे रहेंगे, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, वो तो आप तय कर सकते हैं। अंतिम ये कि आप किस दिशा में बैठे, किस दिशा में मुंह करके बैठे, तो पहली बात तो ये कि फिर वही, यदि बताया गया है कोई विशेष दिशा को तो उस विशेष दिशा में मुंह करके बैठिए, लेकिन यदि बताया नहीं गया है तो सब मिलजुला के और सब सोच समझ के, सबने बताया है कि दिशा वशीकरण के लिए है तो उत्तराभिमुख आपको होना चाहिए, यानी उत्तर की ओर आपका मुख होना चाहिए। बेस्ट ये दिशा है, डायरेक्शन यदि आपको करना है तो। अब ये हो गया पूरा, मैंने आपको ऋतु, काल, दिन, वार, लग्न, नक्षत्र, समय, दिशा सब बता दिए। अब आप तैयार हो जाइए आगे मेरे वीडियोस के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा वशीकरण के उपाय, उन्हें करिए और साथ में ये सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिए, शुरू के 3-4 जो हैं जिनमें ये बताया गया ये कब, कैसे, क्यों, किस तरीके से करें, तो आपको सबसे अच्छा फल मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। आगे देखिए कैसे स्त्रियों को वश में करें, क्या क्या करें, लेकिन आपसे अनुरोध है किसी विवाहित स्त्री को वश में करने के लिए ऐसा कुछ ना करें। करना है जिसके लिए आपके दिल में प्यार हो, आपको लग रहा हो उस कन्या के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, तो आप उसे वश में कर सकते हैं। चलिए, देखते रहिए हमारे चैनल ओम आलोक को। नमस्कार।